यही है समाधि स्थल, गाइस यही समाधि स्थल है, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये बाबा नीम क्रोरी की अंडरग्राउंड समाधि है ये। हे गाइस, मैं हूँ अनमोल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना अनमोल जोन। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो काफी ज्यादा धार्मिक भी होने वाला है, अच्छा भी होने वाला है, मजेदार भी होने वाला है, क्योंकि उसमें केवल हम और हमारे पापा जा रहे हैं। और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं ये भी आप लोग थंबनेल तो देख ही लिया है, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, हम लोग जा रहे हैं लखनऊ टू नीम करोरी बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, लखनऊ से नीम करोरी जा रहे हैं, जो कि यहाँ से अराइव कम से कम 230 किलोमीटर कम से यहाँ से दूर है लखनऊ से। तो अभी हम 230 किलोमीटर का सफर करके हम लोग बाबा नीम करोरी के यहाँ दर्शन करने पहुंचेंगे। तो गाइस आपको आज पूरा हम लोग अपना वो दिखाते हैं रूट, कि किस रूट से हम लोग जाएंगे और कमला खूब मजे लेते हुए जाएंगे सब। उसके हिसाब से आज मैं पूरा टूर दिखाऊंगा आपको नीम करोरी धाम के अंदर का, मतलब वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, और समाधि वगैरह दिखाऊंगा उनकी। तो गाइस देरी ना करते हुए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और साथ में चलते हैं, खूब मजा दिलाते हैं आपको भी और हम लोग भी बहुत मदद करेंगे। तो गाइस मजा आने वाली है आज के ब्लॉग में, इसीलिए पहले से ही लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन वाला बटन जो है उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस इतना करने के बाद आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, काफी ज्यादा धार्मिक है। आइए, जय श्री राम जय श्री श्याम। तो गाइस हम लोग अभी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, और हम लोग अभी सुबह के टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभी वो हो रहा है 4:45, मतलब 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। और गाइस अभी हम लोग यहाँ सुबह के टाइम है सुबह का, और गाइस अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग तुरंत ही 15 मिनट के अंदर यहाँ से हम लोग भी निकलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और हम लोग तैयार खड़ी है यहाँ पर, और बस मम्मी ऊपर यहाँ खड़े हैं, ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये लोग अभी अंदर जाके सो जाएंगे तुरंत, और हम लोग अभी बैठ कर यहाँ पर कार से एंजॉय लेते हुए हम और मेरे पापा दो लोग मजे मस्ती करते हुए दो लोग जाएंगे यहाँ से एंजॉय करते हुए, और इसलिए आपको भी एंजॉय कराते हैं, खूब ज्यादा चलिए। तो आप देखेंगे इन लोगों को ज्यादा एंजॉय होगा। हाँ तो चलिए जल्दी चलिए, आपको जल्दी चलते हैं कार के अंदर और ले चलते हैं यहाँ से। बाय बाय बाय, थैंक यू। तो गाइस यहीं से रास्ता जो है वो स्टार्ट हो जाती है मंदिर में जाने के लिए। तो नीम करोरी बाबा की जय।
तो गाइस अभी यहाँ से कितनी दूर रह गया अब? बस 200-300 मीटर होगा खाली मार्ग। 200-300 मीटर यस, हाँ, और 1 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ से मंदिर दिखता भी है लेकिन शायद कैमरे में ना दिखे। बीच में क्योंकि खेत एक मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, पेड़ पहले हो गए लेकिन पेड़ जब नहीं। टावर है, टावर पास ही मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, वो टावर के पास। हाँ, वो टावर दिख रहा है। चलिए गाइस पहुंचने वाले, आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आने के लिए दो दो रास्ते होती हैं, एक रास्ता ये वाली है और एक रास्ता एक और थी, वो जाते समय दिखाएंगे, वो जाते समय आपको दिखाएंगे। और इस रास्ते ये थोड़ी बहुत पतली रास्ता है कि अगर मतलब दूसरी साइड से कोई मतलब कार वगैरह आ जाती है तो निकलने में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन मेन रास्ता जो है वो यही है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी पतली रास्ता है और कितना मतलब लोग खड़े हुए हैं, देखिए बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, सामने गाड़ी खड़ी हुई है, बताइए हम लोग गाड़ी कैसे निकलेगी यहाँ से, सोचिए। तो गाइस अब आगे वाली गाड़ी हट चुकी है, हम लोग गाड़ी हट जा रही है। आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब वैसी है, कंजेस्टेड एरिया है मतलब। और एक रास्ता और है वो दूसरी साइड से। अब देखिए गाइस सामने गाड़ी खड़ी हुई है ब्लैरो, हम लोग बताइए कैसे निकालें अपनी गाड़ी। गाइस आप लोग देख सकते हैं मंदिर का जो मेन द्वार है वो यहाँ पर आ चुका है, इस साइड से देख सकते हैं आप लोग। और गाइस इस साइड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है जी। यहाँ पर अभी मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाऊंगा, अभी हम लोग कार से हैं, अभी हम लोग कार को आगे चलकर यहाँ पर पार्क करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मंदिर भी आ गया है, ये देख सकते हैं ये मंदिर आ गया है, यही मेन मंदिर जो है वो यही है, मुख्य द्वार मंदिर का मुख्य द्वार वो यही है। और गाइस आज है संडे, संडे वाले दिन यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती है, सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो ट्यूजडे और सैटरडे को होती है, मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। तो गाइस हम लोगों ने अभी अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। और गाइस यहाँ पर आज संडे है इसलिए यहाँ पर कम भीड़ है, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी को अपनी आराम से पार्क कर दिया और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर ये जितनी दुकानें हम लोग देख रहे हैं ना ये सब भरी होती है, पूरा मतलब मार्केट टाइप का लगा रहता है यहाँ पर। और हम लोग लेकर आए थे प्रसाद में फूल माला वगैरह, और ये हम लोग घर से बना के लेके आए थे पटुआ जो भगवान जी को भोग लगाया जाएगा। गाइस देख सकते हैं अभी आप लोग, अब ये मेन द्वार, गाइस देख सकते हैं ये मेन द्वार पे ये हनुमान जी मिल गए हमको। और यहाँ पर हम लोग प्रवेश करते ही सबसे पहले गणेश भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान जी यहाँ पर हैं। जय श्री गणेश, आशीर्वाद लेते रहें, पुष्प चढ़ाते रहें। जय गणेश भगवान की, सच्चे जय श्री गणेश। तो गाइस हम लोग और आगे चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं पूरे मंदिर का टूर कराते हैं आपको। काफी बड़ा मंदिर है यहाँ पर, उसके बाद गाइस राम दरबार यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर शेरों वाली माता, नवरात्र आ रही है। और यहाँ पर गाइस बजरंग बली बाबा जी, और गाइस ये बंदर देख सकते हैं आप लोग बजरंगबली, गेट से हम लोग पीछा कर रहे हैं और इन्होंने केला पा लिया और एक आराम से बैठकर खा रहे हैं। जय श्री राधा कृष्ण। और गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये बाबा नीम करोरी की अंडरग्राउंड समाधि है, ये बाबा नीम करोरी की नीचे साइड ये बंद है, मतलब यहाँ कोई जा नहीं सकता है, ये केवल उन्हीं की थी, वही गए थे यहाँ पर। गाइस बंदर ने देख सकते हैं आप लोग दूसरा केला भी पा लिया है और आराम से बैठ कर खा रहा है। और गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बाबा नीम करोरी की तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, यही बाबा नीम करोरी हैं जिनका ये मंदिर है। तो गाइस मंदिर के अंदर एक भोले बाबा जी का नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, अब इसकी तैयारी चल रही है मंदिर बनने की। भोले बाबा अंदर रखी हुई
भोले बाबा की जो मूर्ति है, शिवलिंग है, वो अंदर साइड यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। और गाइस देख सकते हैं ये नीम करोरी बाबा की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित है। तो गाइस हम लोग अभी जो मेन मंदिर है वहाँ पर होकर आ चुके हैं और दर्शन कराए हैं बाबा जी के, और अभी हम लोग जो समाधि स्थल है वहाँ पर जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं समाधि स्थल जो है वहाँ पर वो कैसा है, तो अभी वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको चल के। चलिए सामने ही है, दूर नहीं है, देख सकते हैं सामने ही समाधि स्थल, आइए ले चलते हैं आपको। ठीक है, यही है समाधि स्थल यहीं पर। तो गाइस यही समाधि स्थल है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी जालियां लगी हैं इसलिए आपको क्लियर शायद ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। अभी एक तरफ से और मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ समाधि स्थल, और करते हैं बाबा को प्रणाम। जय हो। ये बाबा जी का समाधि स्थल है। और गाइस इसमें हम लोग बंदर भी यहाँ पे खूब सारे समाधि स्थल में यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम करते रहते हैं दिन भर यहाँ बैठे बैठे। और देखते हैं यहाँ पर बंदर ही हैं और यहाँ पर और लोग नहीं हैं, बंदर ही आपको दिख रहे होंगे, देख सकते हैं आराम फरमा रहे हैं। किसी कुछ बोलते नहीं है। हाँ ये बात है, किसी कुछ बोलते नहीं है, आराम से बैठे हैं। इसे कहते हैं कि भगवान के सच्चे भक्त, मतलब हम लोग ज्यादा भक्त भगवान के भक्तों के यही है। सही बात है, ये बोलते किसी से नहीं कुछ, किसी ने बड़े क्लास लेते आराम से पास निकल जाओ, कुछ भी खिलाफ ला दो कुछ भी कर लो। अगर आप लोग इन्हें यहाँ पर देना चाहते हैं तो केला वगैरह पिटुआ वगैरह दिया था, केला दिया खा लिया खाई आपसे। और गाइस यहाँ पर ये बाबा की समाधि है, यहाँ पर आप लोग को बाबा का जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी उनकी समाधि बनी हुई है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, यही मेन उनकी समाधि है। और गाइस इन्हीं रोडों पर यहाँ पर मंगल और शनिवार को काफी ज्यादा भीड़ रहती है, मेला टाइप का लग जाता है, मार्केट टाइप का। अभी तो दुकानें जो हैं काफी कम लगी हुई हैं, आज संडे है इसीलिए, नहीं तो गाइस यहाँ पर ये मंगलवार शनिवार को तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा मतलब क्राउड रहता है यहाँ पर। और आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर, और भी आप थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं बताता हूँ। और गाइस यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते रहते हैं, कानपुर बनारस एटा दिल्ली वगैरह से लोग आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। और गाइस यहाँ पर काफी भीड़ भी रहती है, मैंने आपको बताई दिया। और ये गाइस यहाँ पर इसकी जो मैप की एग्जैक्ट लोकेशन है जो वहाँ की, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोग जहाँ कहीं भी हो इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो, लेकिन खाली आपको लिंक पर क्लिक करना है, जो मैप की लोकेशन है बस वहीं पर क्लिक करना है, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सीधे यहीं की लोकेशन मिल जाएगी, और डायरेक्ट आप लोग मैप के रूट के जरिए, मैप तो आपको मालूम है, मैप तो एग्जैक्ट रूट बताता है जो सबसे बढ़िया रूट होता है, उसके जरिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रूट होंगे आपके यहाँ से, तो गाइस आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं उसके बारे में। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजा आती है, और जो लोग मनोकामना मांगते हैं अपनी अपनी उनकी वो पूरी भी होती है जहाँ तक। तो गाइस अब हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये घर से बना के लेके आए थे मीठी पूरी जिसे बोलते हैं, और हम लोग उसे बोलते हैं पिटुआ, क्यों दे। और इसे गाइस मतलब यहाँ पर जो है कि मतलब दुकान से मिठाई वाली दुकान से मिठाई नहीं ले सकते, क्यों दी? केला फल वगैरह ले सकते हैं, और अपने जो घर पे बनाए हैं मतलब पिटुआ या कुछ भी, थोड़ी मिठाई लड्डू मिठाई वगैरह कुछ भी बनाए घर पे बनाए घर से ले जाएं, मतलब दुकान से ना खरीदे,
क्योंकि भगवान का भोग जो लगता है कायदे में तो घर से बनाया गुलाब ज्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि बाहर का होता शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध मतलब पता नहीं कैसे मानते हैं आप लोग, दिल की इच्छा नहीं होती है भगवान चढ़ाएं तो घर का चाहे अच्छा बनाएंगे, घर का तो अच्छा होगा तो चढ़ेंगे, चाहे कुछ भी बनाए लेकिन घर पे बनाए, चाहे कुछ भी बनाए बस। और भाई आप लोग दे सकते हैं, अभी हम लोग आपसे कहा था कि हम लोग दूसरी रास्ते जाएंगे, दूसरी रास्ता ही दे सकते हैं आप लोग, ये देखिए इधर भी थोड़ी ठीक है रास्ता। तो गाइस मैंने आपको बाबा जी के पूरे पूरे दर्शन जो है दिखा दिए हैं, पूरा का पूरा व्यू मतलब मंदिर का पूरा व्यू दिखा दिया है। और गाइस काफी अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। और गाइस आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।